नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। 2 सितंबर को जन्माष्टमी, ये है पूजा का शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2018 इस वर्ष 2 सितंबर 2018 रविवार को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कई विदेशों में भी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि यानी ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु का ही अवतार थे। बहुत से भक्त इस दिन व्रत उपवास भी रखते हैं, जिसमें अर्धरात्रि तक यानी 12 बजे कृष्ण जन्म तक उपवास रखना होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे पहले समझ लीजिए क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी में मध्य रात्रि का क्षण 12:20 3 सितंबर को, पारण का समय 8:05 के बाद, पारण के दिन अष्टमी तिथि के समाप्त होने का समय 7:19, पारण के दिन रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने का समय 8:05। वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी 3 सितंबर 2018 को मनाई जाएगी। वैष्णव जन्माष्टमी के लिए अगले दिन का पारण समय 6:04 सूर्योदय के बाद, पारण के दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएंगे। दही हांडी का कार्यक्रम 3 सितंबर को होगा। मथुरा और उससे सटे कई क्षेत्रों में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर बड़े बड़े मंदिरों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। उत्सव के दौरान देश विदेश से लाखों भक्त मंदिरों में आते हैं। सिर्फ मथुरा में ही नहीं बल्कि देश के कई दूसरे हिस्सों में भी इस पर्व को कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष झांकियों का आयोजन किया जाता है, भगवान कृष्ण को झूला झुलाते हैं। बहुत से मंदिरों में रास लीला का भी आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा की मनमोहक झांकियां देखने के लिए लोग देश विदेश से मथुरा पहुंचते हैं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।